इन दिनों भोजपुरी जगत में काफ़ी हलचल चल रही है, फिर वो अश्लील गाने को लेकर हो या फिर अश्लील गाने को लेकर मुकदमा करना हो, सभी कुछ बड़े ही ताबड़तोड़ से चल रहा है। लेकिन जहां बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, वहीं पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने कुछ इस तरह से हमारा ध्यान आकर्षित किया। जी हाँ, पवन सिंह के तीन ऐसे जबरे फैन हैं जिनकी आज हम आपको बात बताने वाले हैं। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों एक वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा था और उस वीडियो में एक बंदा है जिसकी मदद कर रहे हैं पवन सिंह, उसे कुछ पैसे दे रहे हैं, उसे व्हील चेयर उन्होंने दिया है। कहा जा रहा है तकरीबन 200 किलोमीटर दूरी तय कर कर वो सिर्फ पवन सिंह से मिलने आया था और पवन सिंह ने जब उसकी ज़रूरतें पूछी तब उन्होंने तुरंत उसे वो सारी चीज़ें मुहैया कराई। अब उनके दूसरे फ़ैन से मिलिए। जी हाँ, उनका जो दूसरा फ़ैन है वो एक स्केच आर्टिस्ट है। उसने पवन सिंह की माँ और पवन सिंह का फ़ोटो बनाया जिसे देखने के बाद पवन मंत्रमुग्ध हो गए और फिर उसी के कहने पर उन्होंने उसके साथ एक फ़ोटो भी क्लिक कराई। उस फोटो में पवन सिंह की माँ है, पवन सिंह बड़े ही सादगी से नीचे बैठे हुए हैं, माँ कुर्सी पर बैठी हुई है और पेंटर है और उसकी पेंटिंग है। ये सारा कुछ बड़ी तेज़ी से मीडिया में वायरल हुआ और अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। पवन सिंह का वो जबरा फैन जिसने पवन सिंह का पूरा चेहरा अपने सीने पर टैटू करवाया, उसके बाद पवन सिंह का नाम अपने हाथों पे टैटू करवाया, साथ ही साथ अपनी जो बुलेट है, अपनी जो बुलेट बाइक है उस पे पवन सिंह के लिए ही उन्होंने कुछ ऐसा लिखा जिसे पढ़ने के बाद पवन के सारे फैंस खुश हो गए। जी हाँ, इन दिनों ये तीन चीज़ें हैं, तीन अलग अलग तरह के लोग हैं जो कि आरा गए हुए हैं, उनमें से सभी से पवन सिंह मिल रहे हैं। से तीन अलग अलग तरह के लोग हैं जिसमें से दो लोगों से पवन सिंह मिल चुके हैं, एक अपने जबरे फैन से नहीं मिले हैं पवन सिंह, लेकिन हो सकता है उन तक ये खबर जैसे ही जाए वो उनसे मिले भी। वैसे आपको बता दें ये सारी चीज़ें एक अलग तरह न्यूज़ बना रही हैं और ये सारी चीज़ें न्यूज़ में भी आ चुकी है। जी हाँ, इसे कई हिंदी न्यूज़पेपरों और हिंदी चैनलों ने अपने स्लॉट में जगह दी। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।